हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल दोस्त। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए आरआर कैट की तरफ से। दोस्तों आरआर कैट राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। दोस्तों राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। दोस्तों इसलिए मैं आपको बता दूं, जो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी होती है यहाँ पर वो साइंटिफिक असिस्टेंट की होती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के किसी भी ब्रांच में। डिप्लोमा वालों के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट होती है और आईटी वालों के लिए टेक्नीशियंस की वैकेंसी होती है। गाइज यहाँ पर जो वैकेंसी आरआर कैट में आई हुई है वो बेसिकली एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन अच्छी पोस्टें तो आइए कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के किसी भी सेक्टर में अच्छी पोस्टें नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि हर पोस्ट में कोई 50 वैकेंसी आई, 100 वैकेंसी नहीं, दो दो तीन तीन वैकेंसी आती हैं, तीन तीन चार चार, और लोग वहाँ से भी सेलेक्ट होते हैं। तो गाइज जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसे फॉर्म को फिलअप करने में, परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है आप सभी लोगों के लिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आरआर कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर RRCAT02/2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिलअप ऑल द पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्नीशियंस। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इंग्लिश में भी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर देता हूँ, आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताता हूँ। ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं होने वाली, तो ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा के इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस वीडियो को मैंने डाउनलोड कर लिया। अप्लाई करने का जो अंतिम दिन है वो 14/6/2022 से। देखिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच को ज्वाइन करते हैं तो आप एज अ स्टाइफेंडेड ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। 1.5-2 साल के ट्रेनिंग के बाद आप साइंटिफिक असिस्टेंट भी ज्वाइन करते हैं और इसके बाद आपका प्रमोशन होने के साथ, टाइम बीतने के साथ आप साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनते हैं। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई है वो ना स्टाइफेंडेड ट्रेनिंग की आई है, ना साइंटिफिक असिस्टेंट भी की आई है। आपका जो प्रमोशन होने के बाद आप साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनते हैं उसकी ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, साइंटिफिक असिस्टेंट सी, जहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। देखिए पहली वैकेंसी है या साइंटिफिक असिस्टेंसी में आपको बता दूँ 4600 के पे ग्रेड पे 44900 बेसिक होने वाला है। 18 साल से 33 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 3 साल का ओबीसी होने वाला है इलेक्शन, एसएसटी को 5 साल का इलेक्शन। देखिए साइंटिफिक असिस्टेंसी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी, जहाँ पर मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंसी में देखिए वैकेंसी है, यहाँ भी 4 साल का एक्सपीरियंस। मेट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी। देखिए जितनी भी मैं आपको बता दूँ डिप्लोमा वालों के लिए, उनमें 4 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत है। इलेक्ट्रिकल की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजी, इलेक्ट्रिकल की जरूरत। देखिए ये देख सकते हैं आप वैकेंसी है, अभी 4-4, 5-5 हैं अलग अलग विभागों में, ठीक है। देखिए इसी तरह फिजिक्स वालों के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर देखिए फिजिक्स वाले जो वैकेंसी है वो आपको मिनिमम 60% का फिजिक्स चाहिए, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बीएससी नौकरी हॉर्टिकल्चर, यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री की वैकेंसी, यहाँ पर भी कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। साइंटिफिक असिस्टेंसी, ठीक है, बायोलॉजी, जूलॉजी, यहाँ पर ये सारी वैकेंसी जो साइंटिफिक असिस्टेंसी की हैं, ये बी की हैं, सी की हैं, ये सब डिप्लोमा वालों की। अब देखिए टेक्नीशियन की जहाँ पर वैकेंसी, वायरमैन की टेक्नीशियनशिप में वायरमैन की वैकेंसी 25,500 बेसिक होने वाला है और यहाँ पर आईटीआई चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह देखिए और भी ब्रांचों के लिए, कंप्यूटर वर्क के लिए वैकेंसी है, मिली राइट के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए पहले आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, जो डिप्लोमा वालों के लिए बात कर लेते हैं, पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा और इसके बाद 1:5 रेशियो, मतलब एक कैंडिडेट्स, एक वैकेंसी है, 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फिर आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन टोटली इंटरव्यू, ठीक है। नो वेटेज विल बी गिवन मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन एग्जामिनेशन। आप रिटन एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स पाए उसका कोई भी वेटेज नहीं मिलेगा आपको। रिटन एग्जाम के बेसिक पे आपका इंटरव्यू के लिए कॉल होगा और इसका फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा। अगर इस तरह हम बात कर लेते हैं आईटी वालों के लिए, दोस्तों पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके बाद आपका मेन टेस्ट होगा जिसमें से टेक्निकल नॉलेज क्वेश्चन आएगा और तीसरे स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। फाइनल जो कंसीडरिंग लेवल होगा वो स्टेज सेकेंड होगा, जहाँ पर आपका टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी लोगों से डिस्कस की। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 14/6/2022 है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है, अप्लाई करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।